सुनो नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रुप भोलेनाथ आप लोगों के सामने एक नुक्कड़ प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इस नुक्कड़ का शीर्षक है योगा, आज कल और आज। इसी के साथ हम अपने नुक्कड़ की शुरुआत करते हैं। आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो। अरे आओ आओ नुक्कड़ देखो, देखो तुमको बहुत पुरानी, देखो अपनी नई जवानी। पिता पुत्र के नो कुछ हो चुके, पिता पुत्र के नो कुछ हो चुके, आगे होगी बात सुहानी। पिता का इसमें प्यार भरा है, पुत्र अपनी बात पर अड़ा है। कौन सा जमाना है सही, इसको तुम सीखो। आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो। आज के इस नाटक में मैं हूँ बाप, पिता, वालिद, और आपके जमाने में बोलूँ तो डैड, डैडी की वेरी बैड। अरे पर मैं तो आपको दादा नहीं बोलता हूँ। अरे बेटा मैं तुम्हारे डैड का भी डैड हूँ, डैडी की सुपर बैड। तो कहेंगे मेरे बैड वाले डैड, तो क्या करोगे तुम्हारे बैड वाले डैड। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। अरे उम्र थी चार, अरे उम्र थी मेरी चार, पसंद था मुझे माँ के हाथों का अचार। मुझे अपना बचपन याद आ गया, माँ के हाथों का अचार और माँ का प्यार कहाँ मिलता है बार बार। अरे पिताजी उम्र तो मेरी भी थी चार, अरे उम्र तो मेरी भी थी चार, माँ की आवाज से नहीं गोले के घंटियों से आती है बाहर। आओ गोले ले लो गोला, आओ गोले ले लो गोला, पीले हरे पीले ग्वाल गोले स्वाद वाह। अरे थे वो रसायन जो कर रहा था तुझे बर्बाद। दादाजी आपको धमाल में कैसे मिलता था क्या क्या? अरे गर्मी में छुट्टियाँ। अरे बेटा मैंने पढ़ाई जरूर कम की है लेकिन छुट्टियाँ पूरी मनाई है। अरे वो गर्मी भी क्या गर्मी थी जब धूप में दौरा चलते थे। अरे वो गर्मी भी क्या गर्मी थी जब धूप में दौरा चलते थे, लेकर पत्थर दो हाथों में भगवान सेवा करते थे। अरे याद थी हमको चंपल जैसे गीता या पुराण हो, अरे याद थी हमको चंपल जैसे गीता या पुराण हो, अरे पंचतंत्र के कछुओ और खरगोश का एहसान हो। अरे छुट्टी तो हमें भी मिलती थी, अरे अरे छुट्टियाँ तो हमें भी मिलती थी, वो अलग बात है, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद थोड़ी कम हो गई। अरे बोलो बोलो वही ना कम, ये हो गई बोरिंग बातें। अरे ये तो हो गई बोरिंग बातें, अब बताता हूँ असली इंटरटेनमेंट कहाँ था। सुपर मारियो खेला मैंने, अरे सुपर मारियो खेला मैंने, खेला मैंने पबजी, सारी छुट्टियां मैगडी में खाई। अरे अरे सारी छुट्टियां मैगडी में खाई, खाई ना कोई सब्जी। अरे यही तो तेरी भूल थी बेटा, बिस्कुट है अब बिस्कुट को पार्ले जी। अरे पिताजी किसे पिटे वो श्लोक थे आपके, किसे पिटे श्लोक थे आपके जिन्होंने आपको अंडा बनाया था। असली पढ़ना तो कोई हमसे सीखे, कंप्यूटर लैपटॉप से लाखों ज्ञान जुटाया था। अरे बाप हूँ तेरा बेटे मुझको ना समझाया कर, अरे बाप हूँ तेरा बेटे मुझको ना समझाया कर, जानता हूँ तूने लेकर कौन कौन से देखे हैं, अन्य कई भी बिहार में तूने आग कहाँ पे फेंके हैं, तूने लगाया है, अरे जश्नों को तूने लगाया है, लेक्चर से ना ले आया है। अरे आँखों का देख नलायक बिल्कुल लाचार बाप है। अरे बेटा आओ तुम्हें एक बात बताऊं बच्चे की, उसको देखा पहली बार, अरे उसको देखा पहली बार मंदिर था जहाँ राम था। जय श्री राम। फिर उसकी वो फोटो देखी, फिर उसकी वो फोटो देखी जो दीदी का इंस्टाग्राम था। चेहरे के उसके ना कोई मोल था, अरे चेहरे के उसके ना कोई मोल था, हर
पैगाम जो मुझको आया वो उसका वाटर वीडियो कॉल था। अरे हो बेटा ये सब फैसले सिक्के उठा के दिल के मामले हैं बेटा तेरा देखभाल के। अरे मोबाइल के दौर क्या सीखों को क्या पता, अरे मोबाइल के दौर क्या सीखों को क्या पता, रखते थे कैसे खतों पे परेजा निकाल के। अरे मेहनत थी वो कमाई थी मेरे हाथों में पहले जो आई थी, अरे मेहनत की वो कमाई थी मेरे हाथों में पहले जो आई थी, सीट झुका कर मैंने उसको माँ के हाथों में समाई थी। अरे पिताजी तो मैंने भी कम किया था, आपको भी तो घर जैसी सुविधा दिलाकर ही दम लिया था। अरे वो घर नहीं नर्क के समान था, वो घर नहीं नर्क के समान था, रहते थे जो वहाँ हुआ उनका अपमान था। क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में, क्या तू पैदा ही हुआ बेईमान। अरे बेमानी की क्या बात कहूँ, अरे बेमानी की क्या बात कहूँ, बिंदे के ब्याह रचाते थे और धांगनिया कैसी होती है सुन के संतोष हो जाता। वो संतोष ही मेरा अच्छा था, नहीं तो फेसबुक पे शादी और जियो से बच्चा था। पड़ गई कैसी भारी है, भारी है भारी है, उसकी और मिट्टी ने इसको बीमारी है, बीमारी है बीमारी है। अरे सुनो तुम अब बात पति की जो है इस समय का, सांस का अंदर बाहर लेना ही केवल अर्थ नहीं है योगे का, सीख नहीं है योगे का, सीख नहीं है योगे का। योग नहीं है वो जो तुमको कोई बतलाता है, अरे योग नहीं है वो जो तुमको कोई बतलाता है, योग है वो जो तुमको जीवन पल पल में सिखलाता है, सिखलाता है। अरे पिताजी गलती हो गई आपकी बात मानूंगा। योग करें, आओ मिलकर योग करें।